नमस्कार, जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है एक बार फिर से आपका नित्य ज्योतिष वाणी में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी चतुर्वेदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार है। तिथि रहेगी श्रावण अधिक मास की एकादशी तिथि दोपहर 1:05 तक, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा नक्षत्र और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक, जिसमें कि कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। आज है कमला एकादशी व्रत। अब आज का राशिफल तो करते हैं शुरू मेष राशि के साथ। आज आप किसी पे हद से ज्यादा भरोसा ना करें, धोखा मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों को आज अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी या संतान की तरफ से आज स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बन सकती है। बाकी दिन आपका मिला जुला रहेगा। नौकरी में आप आ रही रुकावटें दूर होंगी। आज आप माँ लक्ष्मी पर 7 कौड़ी चढ़ाकर, 7 जो पीली कौड़ियाँ होती हैं वो चढ़ाकर उनको अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। आपका लकी नंबर 5 है और लकी रंग आपका पीला है। वृषभ राशि, व्यापार में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, साथ ही व्यवसाय में कुछ नई योजनाएं भी आप बनाएंगे। परिवार में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। और सेहत की बात करें तो आज आपको आलस्य और तनाव बना रहेगा। आज आप गाय को पालक खिलाएंगे और साथ ही किसी को सफ़ेद चीज़ या सफ़ेद कपड़ों का दान करेंगे तो दिन आपका और भी बेहतर निकलेगा। आपका लकी नंबर 1 है और लकी नंबर आपका सफ़ेद है। मिथुन राशि, आज आपका दिन पहले से बेहतर होगा। आज आपके घर में रिश्तेदारों का आना जाना बना रहेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। व्यापार में आज आपको तरक्की मिलने की संभावना है। धन लाभ आपका निश्चित है। नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आज आप गाय को पालक खिलाएंगे तो दिन आपका और भी उत्तम निकलेगा। आपका लकी नंबर 7 है और लकी रंग आपका ब्राउन है। कर्क राशि, आज आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी पर पूरा भरोसा करने से बचें। साथ ही कारोबार में आज आप कुछ नई योजनाएं भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने परिश्रम से सफल होंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा और आर्थिक दृष्टि से दिन आपका मजबूत बना रहेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज आप लक्ष्मी जी को कि लक्ष्मी पूजन में चांदी का सिक्का रखने से आपका दिन और भी बेहतर निकलेगा। आपका लकी नंबर 2 है और लकी कलर आपका हरा व सफेद है। सिंह राशि, आज आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसमें कि आप सफल भी होंगे। आपके आज सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। ऑफिस में भागदौड़ बनी रहेगी। कारोबार में आज आपको कुछ नई योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं, जो आगे जाके भविष्य में सफल होगी। आपका स्वास्थ्य, आपके ऊर्जा के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। ऊर्जा आपकी बनी रहेगी। आज आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो दिन आपका और भी उत्तम निकलेगा। साथ ही लक्ष्मी पूजन करेंगे तो दिन में फल आपको अच्छे मिलेंगे। आपका लकी नंबर 7 है और लकी रंग आपका हरा है। कन्या राशि, परिवार में आज सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आप समय निकाल पाएंगे। आज आपकी कुछ जीवन शैली में बदलाव होगा, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप थोड़ा सा फ्री महसूस कर पाएंगे। आज सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। व्यापार में आपको मुनाफा होने की संभावना है। आज आप गाय को केला खिलाएंगे और साथ ही केसर का तिलक करेंगे तो आपका दिन और भी उत्तम निकलेगा। आपका लकी नंबर 4 है और लकी रंग आपका हरा है। तुला राशि,
व्यवसाय में आज आप नए उद्यमों का निर्माण कर सकते हैं। आज आपका दिन अनुकूल है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। आज आप आर्थिक रूप से भी मजबूत बने रहेंगे, धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप आज तिल का दान करें और माँ लक्ष्मी पर लाल पुष्प अर्पण करेंगे तो दिन आपका और भी उत्तम निकलेगा। आपका लकी नंबर 4 है और लकी रंग आपका गुलाबी है। वृश्चिक राशि, आज कार्य की अधिकता की वजह से आपको थकान और तनाव महसूस हो सकता है। आप किसी काम की उलझन में फंसे रहेंगे। आज आप किसी आयोजन में भी हिस्सा ले सकते हैं। आपका दिन उत्तम निकलेगा, साथ ही परिवार में जीवन साथी के साथ आप दिन उत्तम व्यतीत करेंगे। आपका लकी नंबर 4 है और लकी रंग आपका लाल है। आज आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो दिन आपका और भी उत्तम निकलेगा। धनुराशि, आज आप किसी उलझन में पड़ेंगे तो माता पिता की सलाह से आप उस उलझन से निकल सकते हैं। सहयोगी आज आपके साथ बने रहेंगे, साथ ही जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। व्यवसाय में आपका कोई नया योजना बनेगी और साथ ही नौकरी में भी आज रुकावटें दूर होंगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आज आप गाय को गुड़ और केला खिलाएंगे तो दिन आपका और भी उत्तम निकलेगा। आपका लकी नंबर 4 है और लकी रंग आपका गुलाबी है। मकर राशि, सहयोगियों की सहायता से आज आप सभी कार्य पूरे कर लेंगे। नौकरी में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। व्यवसाय में आज आप कोई नई योजना बनाएंगे जिससे कि आगे सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आज आप माता पिता की सलाह से कोई रुका हुआ काम सही कर देंगे। श्री सूक्त का पाठ करने से आपका दिन और भी उत्तम निकलेगा। आपका लकी नंबर 1 है और लकी कलर आपका नीला है। कुंभ राशि, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। अगर आज आप कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे। नौकरी में भी आपको उन्नति मिलेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी, साथ ही थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भविष्य में कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो टाइम अभी अनुकूल है। आज आप अगर श्री सूक्त का पाठ करेंगे, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी बेहतर निकलेगा। आपका लकी नंबर 5 है और लकी कलर आपका नीला है। मीन राशि, किसी खास व्यक्ति से आज आपको फायदा हो सकता है। अचानक धन लाभ होगा। व्यवसाय में कोई नया कार्य आप कर सकते हैं। नौकरी में भी आज आपके लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है। आज आप तुलसी पत्र और साथ में मोर पंख भगवान को, श्री विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे तो दिन आपका और भी बेहतर निकलेगा। आपका लकी नंबर 4 है और लकी रंग आपका पीला है। तो ये था आज का राशिफल। तो करते हैं बात कुछ खास। आज है पद्मिनी एकादशी व्रत, इसको हम कमला एकादशी व्रत भी कह सकते हैं, कमला पुरुषोत्तम भी कह सकते हैं, इसको हम अधिक मास की एकादशी भी कह सकते हैं, सावन की एकादशी भी कह सकते हैं। हैं तो ये सब लक्ष्मी जी के लिए एकादशी व्रत। वैसे तो यह व्रत, एकादशी व्रत विष्णु जी को बहुत प्रिय है। यह तिथि विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन आज लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आज हम किसी भी ज़रूरतमंद को कोई छतरी या फिर टॉर्च इस सावन के महीने में दान करेंगे तो उसका बहुत बहुत लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपना आशियाना बनाना चाहता है या घर बनाना चाहता है या फिर घर गिरवी रखा हुआ है उसको छुड़वाना चाहता है तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही सटीक है। तो आज भूलिएगा नहीं, क्योंकि 19 साल बाद यह योग बन रहा है। आज किसी को भी, किसी ज़रूरतमंद को छतरी या टॉर्च का दान करें और अपने घर बनाने की इच्छा को पूरी करें।
याद रखिएगा कि छतरी जो है किसी भी कलर की हो सकती है, टॉर्च भी किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन छतरी का जब भी दान करें तो खोल कर करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए जज्बात 24 के साथ। मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी आपसे कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।